सो हेलो एंड वेलकम गाइज आज हम फिर से के जा रहे पाल वर्ल्ड और भाई अभी मैं आपको जो लोकेशन दिखाने वाला हूँ ना भाई उसको देखकर आप लोगों के मुँह से भी एक ही बात निकलेगी कि भाई किसने किसने और किसने बनाया है ये मुजस्मा भाई ये तीन फ्लोर का जो बेस है ना ये इतना प्यारा लगा मुझे तो कभी पास पूछो ही मत क्योंकि इसको मैंने बनाया है एक बहुत ही खास लोकेशन ढूंढ के जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ एंड भाई पिछले बेस में जो जो कमियाँ मैंने छोड़ दी थी जो मैंने लाइक like, लोकेशन देखी थी बिकॉज ऑफ वाटर फॉल उसकी वजह से जो चीज़ें मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की थी वो इस लोकेशन पर नहीं की हैं बिकॉज सोच समझ के बनाया गया है ये भाई पानी अगर चाहिए तो पानी सामने की तरफ है तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो वाला बेस जो मैंने पहले बनाया था जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी भाई वो बेस है मेरा ये भाई बेस मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना दिया था ये भी लेकिन पूरी तरह से नहीं बना पाया बिकॉज मैं प्रकृति के कुछ ज़्यादा ही करीब चला गया था मुझे चाहिए था ये वाटरफॉल मेरे बेस पर और भाई इसी चक्कर में मैंने अपना जो पाल बॉक्स था वो बना दिया था यहाँ पे और भाई बीच में बढ़ गई थी नदी जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से अपना बेस को एक साथ जॉइंट नहीं कर पाया था कहीं पर मैंने पाल बेड्स बना रखे हैं यहाँ पे पाल सोते हैं मेरे रात को पोकेमास काम करने के बाद यहाँ पर लाइक हॉट बाथ लेते हैं यहाँ पर रेंच बनाया मैंने सामने की तरफ ब्रीडिंग फार्म है भाई ओवरऑल मैं आपको अगर लुक दिखाऊँ ना इसका लुक देखना है इस कई बार तो भाई इसका ओवरऑल लुक भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सा नहीं अट्रैक्टिव छोड़िए तो बेस भी नहीं लग रहा है ये ऐसे लग रहा है कोई टूटा फूटा ढांचा धा, है जिसके अंदर मैंने बस रहना स्टार्ट कर दिया लेकिन भाई इसका ये वाला जो लाइक टक्कर थी ये मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था क्या ये पिलर ही तोड़ देगा वो भी तीन तीन, तीन मंजिल का पिलर तो ये मेरा पाल बॉक्स और मेरे पाल बॉक्स से हम लोग सीधा ट्रैवल करके वापस जा सकते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ से आए हैं तो ये है मेरा बेस जिसमें पूरी तरह से आपको दिखा देता हूँ भाई नीचे की तरफ मैंने रखी है कुछ साइट जहाँ पर खुदाई होती है खुदाई का मतलब आपको पता है खुदाई के बाद आपको मिलती है यहाँ से लकड़ियाँ यहाँ से मिलता है स्टोन और भाई ये दो ही चीज़ें आपको ज़रूरत है पूरा का पूरा बेस बनाने के लिए भाई यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी फ्लोरिंग जो की है ये की है मैंने वुडन की और भाई ऊपर की तरफ मैंने बनाई है स्टेयर्स स्टेयर्स और पिलर जो है वो सारे के सारे मेरे तीन तीन के हैं नीचे की तरफ मैंने सारे के सारे पाल बेड्स लगाए हुए हैं भाई पाल बेड्स का होना आपके बेस पर बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपके पाल पूरे दिन काम करेंगे उसके बाद अगर थक गए और रेस्ट नहीं मिला भाई अगले दिन की कंडीशन ही नहीं बचेगी काम करने की ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें ऐसी वर्क करती हैं उनको पूरा रेस्ट पूरा खाना मिलेगा तभी वो काम करेंगे वरना काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी भाई तो यहाँ पर आगे जाके मैंने बनाया है पूरा स्टोन से बिकॉज यहाँ पर चाहिए मजबूती फर्स्ट फ्लोर पर मैंने रखी हैं सारी की सारी मशीनें एक एक करके अगर मैं आपको दिखाऊं सारी की सारी मशीनें जो भी बेस पर जरूरत होनी चाहिए सारी मैंने यहाँ पे लगा दी हैं किसी मशीन की कोई कमी नहीं है और भाई इसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इसी फ्लोर पे ना एक ये सामने एक पिलर बनाया है उसके सामने स्टेयर्स हैं भाई दूसरी तरफ स्टेयर्स हैं तीसरी तरफ स्टेयर्स और चौथी दर स्टेयर्स में चारों तरफ बनाई है कि अगर मैंने किसी भी एंगल से मैंने ऊपर आया हो ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा चलना ना पड़े ऊपर चढ़ने के लिए तो चारों कोने में स्टेयर्स है। हैं ऊपर जैसे हम लोग चाहते भाई यहाँ पर मैंने बनाए हैं चार रेंच रेंच क्या होता है यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट पोके आपके रेंच में काम करने वाले हैं वो यहाँ पर काम करते हैं इसमें कैंडी फ्लॉस और पोके बॉल्स हैं इसमें पोके बॉल्स तीर और भाई एक पोटली भी इसमें चक करते हैं क्या है भाई आप लोग आप लोग समझो कि पाल सफार यहाँ पे कर क्या रहे हैं पोके बॉल्स जो है भाई इसमें कोल्ड पॉइंट थे तो भाई पोके जो होते हैं ना भाई खास एबिलिटी होती है जैसे कि मुर्गियाँ जो है वो अंडे देती हैं जो गाय होती है उनसे मिल्क मिलता है भाई कुछ पोकेमोन गोल्ड कॉइन्स देते हैं कुछ पोकेमोन जो होते हैं भाई वो अंडे की जगह पे पाल सफायर देते हैं और भाई वही पोकेमोन तीर भी देते हैं तीर कैसे निकलता होगा मुझे नहीं पता चुभता जरूर भाई सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर मैंने बनाया है ब्रीडिंग फार्म भाई ब्रीडिंग फार्म मैंने पिछले बेस पर भी बनाया था मुझे लग रहा था कम है तो दो बना दिए तीन बना दिए चार बना दिए भाई पूरे बेस में मैंने बनाए हैं चार ब्रीडिंग फार्म भाई ये हो जाता है मेरा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक बेस भाई मुझे तो ये बेस बहुत पसंद है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना यार और भाई इस लोकेशन को एग्जैक्ट अपने कमेंट बॉक्स में पाने के लिए मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और भाई मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन ये बता दूँगा कि, कि किस जगह पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये भाई यहाँ पर अगर देख रहे जो जमीन हो जो ज़मीन है वो पूरी तरह से इक्वल नहीं है लेकिन जब तो आप बेस सेटअप करते हो ना तो आप पूरा का पूरा लेवल पर ले आते हो उसको तो जो वुडन बेस है वो पूरा का पूरा लेवल मेंटेन कर देता है और पूरा आपको सपाट एरिया देता है जिसमें आप पूरा बेस सेटअप कर सकते हो तो भाई ये हमारा बेस मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको बताने है कि भाई इस बेस को आप खुद कैसे बना सकते हो तो guys, मैं आपको देने बहुत ही खतरनाक बेस तो भाई इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको अपना मैप खोलना है मैप के अंदर आपको ये जो लोकेशन दिखा रही है ना बिल्कुल ये ग्राउंड है इस पे कुछ नहीं है आपको फिर एक चाहिए पिट एक आपको चाहिए लॉगिंग साइट इन दोनों साइट से आपका बेनिफिट क्या होगा कि इन पर आपको ये सारे पोकेमोन लगा देने हैं ये सारे पोकेमोन पूरा दिन रात एक करके आपके लिए वुड और स्टोन ला कर देंगे और भाई उसके बाद बस इनको ऐसे काम पर लगा दीजिए ये लगे रहेंगे आपको मिलेगा वुड एंड स्टोन दोनों दोनों को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए या तो आप साथ में कैरी कर सकते हैं या फिर स्टोरेज बॉक्स आप बना बना के बगल में उसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं और भाई वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना कंस्ट्रक्शन मैंने अपना पूरा स्टोरेज लिया है फुल भाई फिर मैं आपको फिर से बता देता हूँ पाल बेड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पाल बेड्स एंड फूड इनको अगर खाना और आराम नहीं मिला या आपके ले आपके लिए काम नहीं करेंगे तो फटाफट फटाफट मैं पाल बेड पाल बेड बना देता हूँ और जितने ये भुक माना नहीं आपकी हेल्प करेंगे पाल बेड बनाने में भी तो भाई ऑलमोस्ट मेरे सारे पाल बेड हो गए हैं रेडी इसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं बस मुझे स्टोन और वुड लेना है और भाई अपना काम करना है कंटिन्यू भाई स्टोन हमारा रेडी है स्टोन के कंस्ट्रक्शन बेस से हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट कॉन्क्रीट बेस से भाई आपको सब पहला ऐसे ठिकाना कि भाई आपका बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग हो कि उसके बाद तो आपके ज्वाइंट हो जाएंगे अपने आप पहला हमारा डन हो गया सेकेंड भाई इसी के साथ जोड़ते हुए हम लोग ले जाएंगे पूरा का पूरा भाई लेकिन आपको याद रखना तो कि जो आपका पाल बॉक्स है ना इसके साथ में इसके बहुत नियर बाय कुछ नहीं बना सकते हो आप जो उससे फैलती है रेडिएशन हो आप वो आसपास पास किसी भी चीज़ को अलाउ करता ही नहीं है इस साइड पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया उसने बट नहीं करता है वो तो भाई इसी को ज्वाइंट करते हुए हम लोग बना लेंगे पूरा का पूरा बेस जो कि हमारा कवर करेगा ग्राउंड फ्लोर की नीव भाई इस नीव के ऊपर बनाएंगे हम लोग ऊपर की छत पहले इसको कवर करते हैं पूरा इक्वल यहाँ पर एक सिंगल लाइन है यहाँ पर भी डबल लाइन करेंगे और भाई ये भुखमान हट गया बस एक बार ठीक है भाई यहाँ पर हो गया हमारा बेस कंप्लीट अब बनाएंगे पिलर भाई पिलर हम रखें इतना ऊंचा कि भाई कोई भी मशीन हमारी ना छत को टच ना करे भाई तीन तीन फ्लोर की हमने बना दी है पिलर और हमारा जो लाइक ग्राउंड फ्लोर भी होगा ना वो तीन मंजिल ऊपर होगा सीधा इतना ऊँचा प्लेयर पिलर बनाया हमने तो आपको इसमें लेंथ वगैरह की दिक्कत देने की जरूरत नहीं है ये अपने आप संभाल लेगा कि बहुत ही स्ट्रॉग बेस बनते हैं ये आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो भाई हमारा बेस बन गया है कंप्लीट और भाई हमारी स्टेयर्स हैं रेडी स्टेयर्स नहीं है पिलर हैं रेडी स्टेयर्स अब बनाएंगे हम लोग और स्टेयर्स भी जाएंगे भाई थ्री लेवल तक तो थ्री लेवल तक बनाने के लिए आपको बनानी पड़ेंगे स्टोन की ही क्योंकि मजबूत रहती है भाई यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे अपनी छत भाई छत के लिए हमने यहाँ से स्टोन ही लिया है फिर से भाई इस पूरे एरिया को फटाफट फटाफट कवर कर देंगे भाई पूरा एरिया हो गया है कंप्लीट और भाई मेरी छत बन गई है रात के टाइम तक रेडी नीचे चलता है भाई मेरे सारे पुख्स क्या कर रहे हैं भाई सो रहे हैं क्योंकि रात का टाइम होता है इनको सोने की ज़रूरत है भाई अगर इनके पास बेड नहीं होता तो ये बहुत एंग्री मूड में होता है भाई सुबह के टाइम मैंने कर दिया है फिर से स्टार्ट भाई ऐसे ही करके ना आप जितना चाहो उतना इसमें जोड़ सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ ना कुछ बेनिफिट आपका जरूर होगा अगर आप ये गेम खेलते हैं तो तो भाई अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक रुकने नहीं चाहिए कमेंट रुकने नहीं चाहिए और भाई ऐसे ही बहुत सारे बेस हम साथ मिलकर बनाएंगे तो फिलहाल वीडियो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपने घरवालों का रखो ध्यान और आप सबको राम राम